नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडियन हॉरर स्टोरीज में। हमारी आज की कहानी है वीरान महल। झाबुआ ज़िले की बात है। यह एक भूतिया महल या यूँ कहा जाए कि मौत के महल की कहानी है। गांव में चार दोस्त रहते थे। वे चार के चार लफंडर थे। घूमना फिरना, पढ़ाई न करना उनका रोज़ का था। फालतू चीज़ों में उनका बहुत मन लगता था। दिन भर घर से बाहर रहना, लड़कियों को छेड़ना, चोरी करना उन्हें बहुत पसंद आता था। उन लोगों के नाम थे धीरज, रवि, साहिल और विनोद। एक दिन रवि आकर उन तीनों से बोला कि यार भाइयों, अपने गांव से थोड़ा दूर जंगल में एक खंडहर सा महल है, चलो उसमें एक रात रहकर आते हैं, और अगर कोई भागा तो उसे 1000 रुपये देना पड़ेगा। तीनों तैयार हो गए और वो लोग रात होने का इंतजार करने लगे। उस समय पितृमोक्ष चल रहे थे तो माहौल और भी ज़्यादा डरावना था। ठीक रात 10 बजे वो चारों बड़ी खुशी से चल पड़े। चारों लोग बाइक से जा रहे थे। महल उनके घर से 20 किलोमीटर दूर था और पहुंचने का रास्ता बहुत घने जंगलों से घिरा था। करीब 2 घंटे बाद वो लोग महल पहुंच गए। महल बिल्कुल जंगलों के बीच में था। चारों गाड़ी खड़ी करके महल के अंदर चले गए। वहाँ बहुत अंधेरा था। चारों लोग अपने मोबाइल की लाइट जला के महल के अंदर चले गए। रात के 12 बज रहे थे। कुत्ते के रोने की आवाज़ें आ रही थी और किसी की चिल्लाने की आवाज़ें भी बहुत ज़ोर से आ रही थी। चारों का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। तभी महल में लगी घड़ी की आवाज़ से जैसे उन सब का दिल बैठ गया हो। वो सब मिलकर पूरे खंडहर महल में घूम रहे थे। फिर वो महल की छत में गए। वहाँ पे चांद का उजाला था तो उन लोगों ने मोबाइल की लाइट बंद कर दी। धीरज नीचे झांक रहा था तो उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसकी दिल की धड़कन रुक सी गई। 2 औरतों का भूत महल के अंदर घुस रहा था। उसने ये सब रवि, साहिल और विनोद को दिखाया। तब तक वो दोनों भूत महल के अंदर घुस चुके थे। रवि और साहिल बहुत डर गए थे क्योंकि धीरज कभी झूठ नहीं बोलता था। वो तीनों भागने की बात करने लगे, लेकिन विनोद भागने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो वैसे भी बहुत निडर था। विनोद ने सोचा कि ये तीनों चले जाएंगे तो 3000 रुपये मुझे मिल जाएगा। तभी उसके तीनों दोस्त ने कहा कि तू 3000 ले लेना, लेकिन हम लोगों को जाने दे। उसे छोड़कर बाकी 3 दोस्त भाग गए अपनी अपनी गाड़ी से। अब विनोद अकेला रह गया। भूतिया महल में अब उसका भी दिल बैठने लगा। उसे यह सोच कर बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं वो 2 औरतों का भूत सच में तो महल के अंदर नहीं आ गया है। उसे बाइक चालू होने की आवाज़ आई और उसके तीनों दोस्त घर चले गए। अब वह उस महल में बिल्कुल अकेला रह गया। कुत्तों की रोने की आवाज़ आ रही थी। शायद साथ में भूत भी रो रहा था। तभी वो भी डर के मारे छत से नीचे जाने लगा और महल से भागने लगा। वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना चाहता था। वो नीचे महल के हॉल में आया। तभी अचानक महल की घड़ी बजी। उसका दिल बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर घड़ी को देखा, फिर जैसे ही दरवाजे की तरफ भागने को मुड़ा तभी अचानक उन दोनों औरतों के भूतों ने उसे मार दिया। दोस्तों, कभी भी चंद पैसों की लालच में ऐसी शर्त नहीं लगाना चाहिए, वरना ऐसी घटना आपके साथ भी हो सकती है। तो यह थी हमारी आज की कहानी वीरान महल। आशा करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी।
दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हैं। हम लोगों ने आपके लिए आज तक लगभग 23 वीडियो अपलोड की है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हमने हर वीडियो में अब तक बहुत मेहनत की है आप तक छोटी से छोटी जानकारी पहुँचाने के लिए। हम लोगों ने आपके मनोरंजन के लिए और आपके मज़े के लिए काफ़ी मेहनत की है, उस हिसाब से हमें सपोर्ट भी करें। तो विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।